तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, बारिश होगी कि नहीं होगी? वहाँ एकदम बादल भरे हुए हैं उस साइड, और यहाँ खाली है, और ऊपर भी खाली खाली है, बस नवरात्रि का ग्राउंड खाली नहीं होना चाहिए। तो चलो हम दर्शकों को पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी? बड़ी बारिश होने वाली है, दिखाई देता है, क्योंकि इतने सारे बादल है, सब खिले हो के आज मस्ती जाने वाली है, पक्का है। क्या लगता है? ठीक है, अभी नवरात्रि आई है, दिवाली थोड़ी आई है, अभी से तैयारी चालू। क्या लगता क्या है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी? मुझे तो लगती थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि बादल आ गए हैं, तो फिर को भी हुई थी ऐसे। ना, 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 नहीं होगी कि नहीं? तो मेरे ख्याल से आज तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास एक ही चांस है आज कि मैं पूरी नवरात्रि बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर सकूं, क्योंकि दूसरे और तीसरे और नौवें दिन तक तो मैं कहूँ, वो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। बस आज फिलहाल बारिश नहीं हुई। तो रात के हो गए 7:15, कोई बारिश के आधार नहीं दिख रहा है, और हमारी सोसाइटी की नवरात्रि की लाइटिंग भी ऑन हो गई है फिलहाल। वो सब ध्यान नहीं देना बारिश वारिश का, यहाँ ध्यान दो। कैसा लग रहा है, मस्त है ना? आज ये कोटी पहनेंगे, ये कुर्ता पहनेंगे, ये पजामा पहनेंगे। वैसे मैं पहले सोच रहा था कि ये ब्लैक वाला ट्राई करूँ आज, पूरा ब्लैक और कुर्ता पाजामा और उसके ऊपर ये, बट यार ये देखो, बट ये कॉम्बिनेशन देखो, एकदम माहौल बनेगा नवरात्रि वाला, ऐसा लग रहा है ना? तो चलो ट्राई करते हैं कैसा मैं लगता हूँ। कैसा लग रहा? ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार तो नहीं पकड़ा ऑफिस से। अरे अरे मरा जा मरा किया थी। जले पे नमक छिट दिया। कैसा लग रहा? तो बात आ गई है दर्शकों पे, तो भाई जैसा हूँ वैसा ऐसा लग रहा हूँ देखो, और थोड़ा हाँ हेरा फेरी का राजू बन जाता हूँ, ऐसा लग रहा हूँ भाई। तो चलो ग्राउंड पे चलते हैं, मिलते हैं नवरात्रि पे। फाइनली हमने प्रवेश कर लिया है। वाह 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 वाह, ऊपर देखो, और यहाँ काफ़ी परफेक्ट अरेंजमेंट है। अगर आपको अपनी फ़ोटो खिंचवानी हो इंस्टाग्राम के लिए, तो आजू बाजू बढ़िया से एक पैटर्न डिज़ाइन की हुई है, तो वहाँ खड़े रह के आप खिंचवा सकते हो फोटो, और बहुत खूबसूरत सी एंट्री है। फाइनली हमने प्रवेश कर लिया है आकाशवन पार्टी प्लॉट में। तो यहाँ आपने अगर ऑनलाइन बुक करवा ली हो टिकट, तो आपका बारकोड स्कैन करके ये पहले टिकट आपको लेनी पड़ेगी, बाद में आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। हमने तो प्रवेश ले लिया है, अब प्रवेश की बारी है ग्राउंड में। अभी ग्राउंड में चलते हैं, चलो। पर माता जी कहाँ है? अच्छा वो रहे बीच में, और ये ऊपर का देखो एकदम सितारों भरा आसमान, नहीं लग रहा? लग रहा है ना? માતાજી નું નામ લઈને આરતી નો સમય થઈ ગયો છે, અને આરતી માટે હું આમંત્રિત કરવા માંગીશ રેડિયો મિર્ચી ના અમારા ઝોનલ બિઝનેસ ડિરેક્ટર મિસ્ટર। तो यहाँ गरबा का जो इवेंट है उसकी संक्षिप्त में आपको जानकारी दूँ, तो ये रेडियो मिर्ची के द्वारा किया जाता एक गरबा इवेंट है, धमाकेदार इवेंट होता है। गुण सुनाई दे रही है, अब आरती का टाइम हो गया है, तो चलो आरती के तरफ प्रयाण करते हैं। मेरी
જેટલા પણ ખેલાડીઓ આવ્યા છે એકવાર તમારો જે થોડો ઘણો ઉત્સાહ છે એકવાર કોઈ વોર્ડરોબ આવ્યો છે અભી તક મુજે એસા થા કે अच्छा यहाँ जो आरती का समय होता है तो आरती के लिए मुझे ऐसा था कि सिर्फ आरजे लोगों को ही एंट्री होगी या फिर मिर्ची के स्टाफ को एंट्री पर सबको एंट्री मिलती है और आई एम ग्रेटफुल आई एम अ पार्ट ऑफ मिर्ची रॉक एंड ढोल गरबा यार बहुत मजा आ गया यार मजा आ गया और ये प्रार्थना की आप सबके लिए और मेरे लिए जय माता जी
अभी मैं एक ऐसे ग्रुप से मिला हूँ जो मेरे कैमरे के अल्ट्रा वाइड लेंस में भी फिट नहीं हो रहा है। हेलो गुड ऐसा गुजराती पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बहुत मजा आ जाएगा आपको ब्लॉग देखने में। आप लोग कहिए, आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा है और दुनिया कितनी छोटी है, एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर से मिलता है, तो जो भी इनके ब्लॉग को देख रहे हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ये नवरात्रि बेहद यादगार रही और कैसे मैं भूल सकूंगा आपके साथ बिताए वो अद्भुत लम्हे। कहां मिलेंगे इतने सारे लोग जो अजनबी होकर भी अपने लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही रहे और अब चले मेरे साथ कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज मुझे देखने वाले और सुनने वाले आप मेरे दोस्त हैं। You asked me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking.